गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर द कॉमन नेम। सो यू ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक। व्हाट आर योर फर्स्ट नेम एंड सरनेम? व्हाट इज योर फुल नेम? राइट इट हियर। यहां पर आप सभी को अपना फर्स्ट नेम, सरनेम और पूरा नाम लिखना है। इसे आपको खुद से फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपका नाम अमित गुप्ता है तो आप यहाँ पर अमित लिखेंगे, सरनेम में गुप्ता लिखेंगे और फिर यहाँ पर अमित गुप्ता लिखेंगे। व्हाट इज योर फादर नेम? यहाँ आप सभी को अपने फादर का नाम लिखना है। व्हाट इज योर मदर नेम? यहाँ आप सभी अपनी मदर के नेम को लिखेंगे। व्हाट इज योर ब्रदर या सिस्टर नेम? यहाँ आप सभी अपने ब्रदर और सिस्टर के नेम को लिखेंगे। व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड नेम? यहाँ पर आप सभी अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम को लिखेंगे। व्हाट इज योर क्लासमेट नेम? आपके क्लासमेट यानी कि आप जिस क्लास में थे वहां पर जो आपके क्लासमेट्स थे उसके नाम को लिखना है। इसे आप सभी खुद से अपने बुक में फिल करेंगे। अमित वॉज अ न्यू बॉय इन क्लास फर्स्ट ए। अमित क्लास फर्स्ट ए में एक नया बच्चा था। ही वॉज हैप्पी। वह बहुत खुश था। हिज बैग वॉज न्यू। उसका बैग नया था। हिज नोटबुक वर कवर्ड विद फ्रेश ब्राउन पेपर। और उसकी नोटबुक फ्रेश ब्राउन पेपर से कवर्ड थी। हिज पेंसिल बॉक्स हैज थ्री लॉन्ग पेंसिल एंड अ येलो इरेजर। और उसके पेंसिल बॉक्स में तीन लंबी पेंसिल थी और एक येलो कलर का इरेजर रबर था। ही स्माइल्ड एट हिज क्लासमेट्स। वह अपने सहपाठियों क्लासमेट्स के साथ मुस्कुरा रहा था। ही सैट डाउन ऑन हिज बेंच। और वह उनके बेंच पर बैठ गया। द टीचर इंटर द क्लास। टीचर क्लास में इंटर में प्रवेश करती है। गुड मॉर्निंग विल। गुड मॉर्निंग मिस। द चिल्ड्रन सेड। आप सभी ने देखा होगा कि जब मैम क्लास में एंटर करती है तो आप बच्चे क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसी तरह से जब क्लास में टीचर ने एंटर किया तो सभी बच्चों ने गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, सेड द टीचर। टीचर ने कहा गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, आप सभी बैठ जाइए। अमित, द टीचर कॉल्ड आउट। टीचर ने अमित को बुलाया। शी वॉज टेकिंग अटेंडेंस। वह अटेंडेंस ले रही थी। आप सभी ने देखा होगा कि क्लास में जब अटेंडेंस ली जाती है तो बच्चों के नाम को बुलाया जाता है। यस मिस, सेड अ बॉय। एक बच्चे ने यस मिस कहा। यस प्रेजेंट, सेड द सेकंड बॉय। दूसरे बच्चे ने भी यस प्रेजेंट मिस कहा। दूसरे बच्चे ने भी प्रेजेंट मिस कॉल्ड अ थर्ड बॉय। तीसरे बच्चे ने प्रेजेंट मिस कहा। प्रेजेंट मिस। अमित लुक्ड अराउंड हिम। अमित अपने चारों ओर देखता है। थ्री बॉयज वर स्टैंडिंग। तीन बच्चे खड़े थे। अमित द न्यू बॉय हैड नॉट इवन सेड यस मिस। तो फिर अमित जो नया बच्चा था उसने यस मिस नहीं कहा। द टीचर लाफ्ड, द चिल्ड्रन क्लैपिंग। फिर क्या हुआ, टीचर हंसने लगे और बच्चे ताली बजाने लगे। वॉज देयर वन अमित इन द क्लास। क्या उस क्लास में सिर्फ एक ही अमित था? नो। वर देयर टू अमित। क्या उस क्लास में दो अमित थे? नो, नहीं। वर देयर थ्री अमित। क्या
टीचर ने कहा, दैट इज अ ग्रेट आइडिया, या बहुत ही अच्छा विचार है। व्हाई डिड आई नॉट थिंक ऑफ दैट, मैंने क्यों नहीं ऐसा सोचा। सो द टीचर कॉल्ड, अतः टीचर ने बुलाया। सो द टीचर कॉल आउट अगेन, अतः फिर मैम ने फिर से बुलाया। अमित अग्रवाल, फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कंप्लेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।